एपिसोड 12, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। धन्य भाग हमारे राजकुमारी जी, रूपमती, बहुत अरसे बाद दर्शन हुए आपके। सेठ धनीराम के होठों पर कारोबारी मुस्कुराहट थी, जरा मसरूफियत रही, इस तरफ आने का मौका नहीं मिला सेठ जी। रूपमती ने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले ठाकुर भंवर सिंह जी भी आए थे, उन्होंने बताया था कि आपने को हीरा खरीदा है, क्या वो? उसने कनखियों से मेरी तरफ देखा। नहीं धनीराम जी, ये मेरे दोस्त हिम्मत सिंह हैं, कल ही दिल्ली से आए हैं। दौराने सफर कोई मुसाफिर गलती से इनका सूटकेस उठाकर ले गया, कुछ कपड़े सिलवाने हैं इनके। गलती से नहीं रूपमती जी, ट्रेनों में चोरी की वारदातें आम हो गई हैं, कोई चोर ताक में होगा, इन्हें गाफिल पाकर सूटकेस उठा ले गया। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ श्रीमान जी का? उसने आखिरी अल्फाज मेरी तरफ देखते हुए कहे, कम या ज्यादा अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रूपमती के झूठ पर बड़ी हैरत हुई थी। मेरे बारे में ये बात बताते हुए वो ये भी जानती होगी कि जल्द या बदेर उसका झूठ खुल जाएगा। धनीराम ने काउंटर की पिछली दीवार पर लगा हुआ एक बटन दबाया और उसके फौरन ही बाद काउंटर के साथ तंग से जीने से एक आदमी उतर कर नीचे आ गया। दुकान के ऊपरी हिस्से में दर्जी खाना था और वह आदमी टेलर मास्टर था। धनीराम ने उसे मेरे बारे में बताया और जब टेलर मास्टर ने मुझे ऊपर आने का इशारा किया तो रूपमती भी हमारे साथ ही ऊपर आ गई। ऊपर बहुत बड़ा दर्जी खाना था, कई कारीगर बैठे काम कर रहे थे, उनमें औरतें भी थीं। टेलर मास्टर ने एक फैशन बुक हमारे सामने रख दी। रूपमती वो खोलकर देखने लगी। उसने मेरे कपड़ों के डिजाइन भी अपनी मर्जी से पसंद किए। एक घंटे बाद हम नीचे आ गए। कपड़ा पसंद करने में मजीद एक घंटा लग गया और बिलाखिर हम उस दुकान से बाहर आ गए। तुमने धनीराम से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? क्या तुम समझती हो कि उसे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं? बल्कि मैं तो जानता हूं कि उसने तुम्हारी बात का विश्वास भी नहीं किया होगा और समझ गया होगा कि मैं ही वो गुलाम हूं जिसे उस गुलाम को मैंने उसी वक्त आजाद कर दिया था जब उसने जंगल में बलवंत सिंह और उसके गुर्गों से मेरी जान बचाई थी। और अब मैं तुम्हारी जुबान से गुलाम का लफ्ज ना सुनूं कभी, ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है, समझे? जी मालकिन। क्या? उसने घूर कर मुझे देखा और मुझे मुस्कुराते पाकर उसके मुंह से बेख्तियार कहकहा निकल गया। उस वक्त 9 बजने वाले थे। मर्सिडीज एक बार फिर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी और बिलाआखिर भवानी सिंह रोड पर वाकई रामबाग पैलेस होटल के गेट में दाखिल होकर पार्किंग लॉट पर रुक गई। वसी और इस रकबे पर फैला हुआ यह डीलक्स होटल था। यहाँ जिस तरह रूपमती का स्वागत हुआ था उससे मुझे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो यहाँ अक्सर आती रहती थी। डाइनिंग हॉल पूरी तरह आबाद था। हमें एक मेज मिल गई जिस पर रिजर्व की तख्ती रखी हुई थी। हमारे बैठते ही वेटर ने वो तख्ती हटा दी। मैं समझ गया कि रूपमती ने हवेली से निकलने से पहले फोन करके ये मेज रिजर्व करवा ली होगी। खाने के बाद हम रेक्रेशन हॉल में आ गए। यहाँ रूपमती के कई जानने वाले मौजूद थे। वो अपने मिलने वालों से बड़े फखर से मेरा तारुफ हिम्मत सिंह के नाम से करवाती रही। हम जिस मेज पर बैठे थे वहां रूपमती के जानने वाले दो अफराद और भी थे, एक मर्द एक औरत। मर्द की उम्र 40 के लगभग थी जबकि औरत 30 से ज्यादा की नहीं थी। वो अपनी शक्ल सूरत लिबास और बातों से ही फहाशा लगती थी। मर्द भी बहुत घाक था। मेज पर इंग्लिश विस्की की बोतल रखी थी जो एक घंटे से भी कम वक्त में आधी से ज्यादा हो चुकी थी। मुझे शराब से नफरत थी और मैं रूपमती को भी बार बार टोक रहा था, लेकिन वो दूसरी औरत, वो ना सिर्फ खुद सोडा मिलाए बगैर पी रही थी बल्कि अपने हाथ से अपने साथी को भी पिला रही थी, और उसका साथी अपना ग्लास बार बार रूपमती के होठों से लगा रहा था। रूपमती भी खालिस विस्की हलक से उतारती जा रही थी। वहां पर रक्स का प्रोग्राम भी जारी था। एक के बाद एक रकासा आती रही और अपने जिस्म की नुमाइश करके शहर के उन बाइज्जत लोगों के जज्बात की आग को भड़काती रही। एक बजने वाला था। रूपमती अब किसी कदर बहकने लगी थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, बस करो और पियोगी तो यहीं ढेर हो जाओगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं पीऊंगी और पीऊंगी, मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा, अब घर चलो। तमीज से बात करो, तुम मेरे गुलाम हो, मालिक नहीं। मैंने तुम्हें 3 लाख में खरीदा था। वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने कनखियों से उस मर्द और औरत की तरफ देखा। रूपमती की बात पर वो दोनों भी चौंक गए थे, उनके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। मैंने मेज पर रखा हुआ रूपमती का बैग दूसरे हाथ में पकड़कर उठाया और उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। रूपमती चीखी चिल्लाई तो नहीं, अलबत्ता उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। हम दरवाजे से 2-3 कदम ही दूर थे कि एक वेटर ने रास्ता रोक लिया। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है? बिल, मैडम का बिल पे नहीं हुआ सर।
उसने बिल की पर्ची मुझे दिखाई। मैंने रूपमती को छोड़ा और वो दीवार से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैंने वेटर के हाथ से पर्ची झपट ली। 3,000 से ऊपर का बिल था। मैंने रूपमती का पर्स खोला, उसमें अच्छी खासी रकम मौजूद थी। मैंने मतलूबा रकम निकालकर वेटर के हाथ में थमाई और पर्स अपने कंधे पर लटका लिया और रूपमती को खींचता हुआ बाहर ले आया। इस बार उसने मजाहमत नहीं की। मैं रूपमती को खींचता हुआ पार्किंग में लाया। उसकी कार के करीब पहुंचकर मैंने उसके पर्स में से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर रूपमती को ड्राइविंग सीट पर धकेल दिया और चाबी दरवाजे के लॉक से निकालकर इग्निशन में लगा दी। दूसरी तरफ का लॉक खोलो और इंजन स्टार्ट करो। इतनी देर में एक आदमी वहां आ गया। ए रूपमती जी को उस तरह घसीट कर किधर ले जाने का इरादा है तुम्हारा? देखो, मैं रूपमती को अगवा करके नहीं ले जा रहा, मैं उसका दोस्त हूँ। उसने शराब ज्यादा पी ली है, इसीलिए मुझे जबरदस्ती वहां से निकाल कर लाया। वैसे तुम कौन हो और रूपमती से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? रूपमती तो हमारे दिला की रानी होवे है। अब तुम चले जाओ, इसको हम खुद घर छोड़ दे देंगे। मेरा खून खौल उठा। इतने में एक और शख्स आकर भी उसके साथ मिल गया। मैंने उन दोनों को समझाने की कोशिश की मगर वो लड़ने पर बज़िद थे। रूपमती नशे में थी और उन दोनों का ख्याल था कि मुझे रास्ते से हटाकर वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की मगर फिर उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो शख्स चाकू लहराता हुआ आगे बढ़ा। मैंने कंधे पर लटका हुआ रूपमती का पर्स कार की छत पर रख दिया और घूम कर तेजी से क्लच चला दी। मेरे पैर की ठोकर उसके हाथ पर लगी। चाकू उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ चौथी या पांचवीं कार के पीछे जा गिरा। वो शख्स हमलावर होने के लिए मेरी तरफ लपका। मैंने बड़ी फुर्ती से नीचे बैठकर टांग घुमा दी। इस मरतबा मेरे पैर की ठोकर उसके टखने से जरा ऊपर पिंडली पड़ लगी। वो कराहता हुआ नीचे गिर गया। मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए दूसरे शख्स के पहलू में भी साइड किक रसीद कर दी। वो भी करहाता हुआ ढेर हो गया। वो दोनों गुंडे होंगे, लड़ना भी जानते होंगे, लेकिन स्ट्रीट फाइटिंग और लड़ाई की टेक्निक के इस्तेमाल में बड़ा फर्क होता है। वो दोनों संभल गए। इस मरतबा उन दोनों ने बेक वक्त मेरे ऊपर छलांग लगा दी। कोशिश के बावजूद मैं अपने आप को बचा नहीं सका। वो मुझे रगेदते हुए दूसरी कार तक ले गए। उनमें से एक ने फुर्ती से मुझे पीछे से गिरफ्त में लिया और दूसरा मेरे पेट और सीने पर घूंसे बरसाने लगा। इसी दौरान मैं कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैं चौंका। वो रूपमती की कार थी जो एक झटके से हरकत में आ गई थी। उसकी छत पर रखा हुआ पर्स नीचे गिर गया। मैं उन दोनों से पिट रहा था मगर मेरा ध्यान रूपमती की तरफ था। वो नशे में थी और कार को बड़े खतरनाक अंदाज में पार्किंग से निकाल कर ले गई थी। गेट पर ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज सुनाई दी और उसके बाद कार फिर खतरनाक अंदाज में उछलकर आगे बढ़ी थी। वो शख्स अब भी मुझ पर घूंसे बरसा रहा था। एक घूंसा मेरे मुंह पर लगा, मेरा होंठ फट गया और खून बह निकला। मैंने अपना सारा बोझ उस शख्स पर डाल दिया जिसने मुझे पीछे से गिरफ्त में ले रखा था। अपने आप को ऊपर उठाकर मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से सामने वाले शख्स के सीने पर रसीद कर दिए। वो बिलबिलाता हुआ लुढ़का और पीछे गिर गया। अपने पैर जमीन पर टिकते ही मैं बड़ी तेजी से नीचे झुका। दूसरा आदमी भी मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल गिरा था। मैंने उन दोनों पर ठोकरों की बारिश कर दी। ए कौन है, ये क्या हो रहा है? ये आवाज सुनते ही वो दोनों उठकर पार्किंग एरिया के अकबी सिंह में भाग गए। मैंने झुककर रूपमती का पर्स उठा लिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो पार्किंग का निगरान था, उसने रूपमती को कार में खतरनाक अंदाज में निकलते देख लिया था। हमारे लड़ने की आवाजें सुनकर वो इस तरफ आ गया था। उसके हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रहा था। क्या हुआ हुकुम, कौन लोग थे वो? बदमाश थे, मेरी दोस्त का पर्स छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। भाग कैसा ले गए? किधर? वो इस तरफ, पर पीछे जाना बेकार है, वो अब हाथ नहीं आएंगे। निगरान ने मेरा मशवरा मान लिया और उन बदमाशों का पीछा करने की कोशिश नहीं की। अरे आप तो जख्मी हो हुकुम, आपके मुंह से तो खून बह रहा है, आओ मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं मैं ठीक हूं, मामूली चोट है, परेशानी की कोई बात नहीं। उसने मुझे अपना रुमाल निकाल कर दिया। मैंने रुमाल लेकर होठों से बहने वाले खून को पोंछा। मुझे रूपमती की तरफ से तशवीश हो रही थी। वो नशे में थी और बड़े खौफनाक अंदाज में कार को यहां से निकाल कर ले गई थी। वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार भी हो सकती थी। मैं निगरान का शुक्रिया अदा करके पार्किंग की तरफ आ गया। गेट पर भी एक बावर्दी गनमैन खड़ा था। वो गाड़ी किस तरफ गई है? मेरा मतलब है रूपमती की गाड़ी। कुमारी जी की गाड़ी उस तरफ गई है हुकुम, गार्ड ने एक तरफ इशारा किया। मैं तेजी से आगे बढ़ गया मगर मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। अचानक तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रूपमती और इन हालात से निजात हासिल करने का यह बेहतरीन मौका था। रूपमती शराब के नशे में बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर गई थी।
इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि वो खैरियत से घर पहुंच सकेगी। वो रास्ते में किसी खौफनाक हादसे का शिकार भी हो सकती थी। मेरे पास रूपमती का पर्स मौजूद था जिसमें हजारों रुपए की रकम थी। मैं ये रात कहीं भी गुजार लेता और सुबह सवेरे पुष्कर के लिए रवाना हो जाता। वहां कामनी का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था और मुझे यकीन था कि जानकी भी वहीं होगी। हम दोनों कामनी की मदद से निहायत आसानी से हिंदुस्तान से निकल सकते थे। ये ख्याल आते ही मैं एक तरफ चल पड़ा, लेकिन चंद गज का फासला तय करने के बाद मेरे कदम एक बार फिर रुक गए। मेरा जमीर मुझे मलामत कर रहा था। जिस औरत ने मेरे साथ नेकी की थी, भारी रकम खर्च करके मुझे गुलाम की हैसियत से खरीदा था, मगर मेरे साथ गुलामों जैसा सलूक नहीं किया था। मैं उसको धोखा देने जा रहा था। मेरा जमीर मुझे कचौके लगा रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सर झटक कर इधर उधर देखा। होटल के गेट की तरफ से खाली टैक्सी इसी तरफ आ रही थी। मैंने टैक्सी को रुकने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ गया। कहाँ चलो हुकुम? सीधे चलते रहो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरा ख्याल था कि मुझे रास्तों का पता चल जाएगा, मगर बड़ी मायूसी हुई। ड्राइवर मेरी हिदायत पर टैक्सी को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और बिलाखर उसने एक जगह टैक्सी रोक दी। रात के 2 बज रहे हैं हुकुम, अगर पुलिस वालों ने रोक लिया ना तो तुम्हारा हुलिया देखकर तुम्हें तो थाने पहुंचा देंगे। तुम्हें जाना कहाँ है, जगह का नाम बताओ मुझे। जगह का नाम ही तो नहीं पता, मैं इस शहर में नया आया हूँ। वो रास्ता भी भूल गया हूँ जिस तरफ से आया था। किसी होटल या गेस्ट हाउस या किसी के घर मेहमान ठहरे हो? रूपमती, राजकुमारी रूपमती नाम है उनका, मैं उसी की हवेली में ठहरा हूँ। अरे तो ऐसा बोलने का ना। ड्राइवर सीधा होकर बैठा और टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ाती। ठीक 15 मिनट बाद टैक्सी रूपमती की हवेली के गेट के सामने थी। मैंने पर्स खोलकर ड्राइवर को मुंह मांगा किराया अदा किया और आगे बढ़कर गेट पर नस्ब कॉल बेल का बटन दबा दिया। 2 मिनट बाद गेट की छोटी सी खिड़की से किसी ने झांक कर देखा और फिर जेली दरवाजा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो तारा सिंह था जो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। रूपमती आ गई या नहीं? मालकिन तो आ गई है, बहुत देर हुई। मैं तेज तेज कदम उठाता आगे चलने लगा। मेरी हालत देखकर तारा सिंह की आंखों में तश्वीश उभर आई थी। रूपमती कहाँ है? मैंने मुंदरी की तरफ देखते हुए पूछा। ऊपर अपने कमरे में। पर तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? झगड़ा हो गया था, मैं ऊपर आ गया। रूपमती अपने कमरे में मौजूद थी। कमरे की हालत देखकर मैं चौंके बिना न रह सका। हर चीज बिखरी हुई थी, कोई भी चीज अपनी जगह पर नजर नहीं आ रही थी। मेरे लिए इत्मीनान काफी था कि रूपमती खैरियत से थी। अलबत्ता घर आने के बाद उसने अपना गुस्सा इस तरह उतारा था कि उसका कमरा किसी मैदाने जंग का मंजर पेश कर रहा था। मुझे देखकर वो कुछ और बेफर गई और बेड पर पड़ी हुई लोशन की बोतल उठाकर मेरी तरफ खींच मारी। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को झुककर बचाया। होश में आओ रूपमती, तुम नशे में हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रही हो। मैं नशे में हूँ? निकल जाओ तुम यहाँ से। मैंने इधर उधर देखा। बेड साइड टेबल पर पानी का जग रखा था। मैंने जग उठाकर रूपमती पर उंडेल दिया। वो चीख उठी और मारने के लिए मेरी तरफ लपकी। मैंने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ की गिरफ्त में लिए और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर 2-4 करारे तमाचे जड़ दिए। वो चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसके मुंह से चंद गंदी गालियां भी निकली थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। वो एक झटके से खड़ी हो गई। थप्पड़ से उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया था, सारा नशा हैरान हो गया था। वो मेरे सामने खड़ी चंद लम्हे तक मेरी तरफ देखती रही और फिर मुझसे लिपट कर रोने लगी। मुझे रूपमती की हालत पर वाकई तरस आ रहा था। इसी दौरान में आहट सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था और बाहर मुंदरी खड़ी थी। वो गालिबन मेरे पीछे ही ऊपर आ गई थी और बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मैंने रूपमती को बेड पर डाल दिया। वो औंधी पड़ी सिसकियां भरती रही। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मुंदरी अंदर आना चाहती थी, मगर मैंने उसे वापस जाने का इशारा किया और एक औंधी पड़ी हुई कुर्सी को सीधा करके उस पर बैठ गया। रूपमती सिसकियां भरती रही। मालकिन, तुमने फिर मुझे मालकिन कहा? मैं आपका गुलाम हूँ मालकिन, और कोई गुलाम अपनी मालकिन से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। होटल में मुझसे गुस्ताखी हुई थी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ, खून क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं, ठोकर लगने से गिर गया था, चोट लग गई थी। बास लोग कोशिश के बावजूद ढंग से झूठ नहीं बोल पाते, और तुम भी उनमें से एक हो। बताओ क्या हुआ था, चोट कैसे लगी? मैं चंद लम्हे खामोश रहा और फिर उसे बताने लगा। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा।
उसने बिस्तर से उतरकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई बाथरूम में ले गई और मेडिसिन कैबिनेट खोलकर एंटीसेप्टिक लोशन की बोतल निकाली और कॉटन के एक रोल का टुकड़ा तोड़कर अलग करने लगी। मैंने उसके हाथ से लोशन की बोतल और कॉटन ले ली। लाओ मैं खुद लगा लेता हूँ। मैं दीवार में लगे कते आदम आईने की तरफ घूमा। मेरा निचला होंठ दरमियान से कट गया था और ऊपर का होंठ भी सूजा हुआ था। मैंने खून अच्छी तरह साफ करके ट्यूब वाली क्रीम लगाई और बाथरूम से बाहर आ गया। रूपमती इतनी देर में लिबास बदल चुकी थी। मेरी तवक्को के मुताबिक मंदरी बालकोनी में एक कुर्सी पर बैठी थी। मैंने उसे कॉफी बनाकर लाने के लिए कहा और दोबारा कमरे में आ गया। होटल में जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। शर्मिंदगी तो मुझे है कि नशे में ना जाने में क्या क्या बकवास करती रही। तुमने मौके से फायदा नहीं उठाया। मैं तुम्हें होटल में ही छोड़ाई थी। उस वक्त मैं नशे में थी, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। तुम चाहते तो भाग सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने पहली मर्तबा गौर से उसकी तरफ देखा। उसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों के निशान नजर आ रहे थे। मुझे अफसोस है, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं तुमने ठीक किया। हाथ ना उठाते तो मैं होश में ना आती और मुझे इन बातों का एहसास भी ना होता। बात दरअसल यह है कि यह दुरुस्त है कि तुमने मुझे एक बड़ी रकम खर्च करके खरीदा था, लेकिन तुमने मेरे साथ जो सलूक रवा रखा है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम मेरी मोहसना हो और मैं अपनी मोहसना को बर्बाद होते नहीं देख सकता। बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारी सूरत में मुझे एक ऐसा आदमी मिला जिसे वाकई मुझसे हमदर्दी है, जो मेरी भलाई चाहता है, जो मेरा हाथ रोक सकता है और मुझे तमाचे मार सकता है। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि औरत कमजोर होती है और मर्द उसकी कमजोरी से फायदा उठाते हैं। औरत ही मर्द को जन्म देती है और औरत के ही वजूद से मर्द तवानाई कुव्वत हासिल करता है। औरत माँ हो सकती है, बहन बेटी हो सकती है, बीवी हो सकती है, मगर कनीज और लौंडी नहीं हो सकती। तुम पहले मर्द हो जो औरत के हक में इस तरह बोल रहे हो, इसलिए कि मैं औरत की अजमत से वाकिफ हूँ। मैं मजीद कुछ कहना चाहता था मगर मुंदरी को दरवाजे में दाखिल होते देखकर चुप हो गया। अरे तुम अभी तक जाग रही हो। मेरा ख्याल है जिसके दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी हमदर्दी है ना, वो चैन की नींद नहीं सो सकता। तुम जिस हालत में घर आई थी उससे मुंदरी के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। उसे कॉफी लाने के लिए मैंने ही कहा था। रूपमती को पुरसकून देखकर मुंदरी के चेहरे पर भी रौनक सी आ गई। उसने दोनों हाथों में छोटी सी खूबसूरत ट्रे उठा रखी थी जिसमें कॉफी के दो मग थे। उसने आगे बढ़कर वो ट्रे ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। रूपमती उठकर बाथरूम में घुस गई और मुंह पर पानी के छींटे मारकर वापस आ गई। मैंने कमरे में बिखरी हुई चीजें समेटकर एक तरफ डाल दी थी। मुंदरी उन्हें उठाकर सलीके से उनकी जगहों पर रखने लगी। तुम जाकर सो जाओ मुंदरी, 4 बज रहे हैं, ये काम सुबह कर लेना। मुंदरी ने काम छोड़ दिया और एक नजर रूपमती की तरफ देखकर बाहर चली गई। कॉफी के चस्कियों के दौरान में गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर चल निकला। मौजू वही था, औरत की कमजोरी। मैंने उसे थाई और जानकी के बारे में बताया। वो भी औरतें थीं मगर उन्होंने अपने अंदर की ताकत इस्तेमाल की थी और कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया था। थाई और जानकी के बारे में जरा तफसील से जानकर रूपमती के चेहरे के तासुरात बदल गए। अब मुझे अफसोस हो रहा है। किस बात का? तुम्हारी दोस्त जानकी को तुमसे जुदा करने का। ठाकुर भंवर सिंह की हिमाकत से वो उसे भी चकमा देकर भाग गई। काश कि मुझे पता होता कि वो कहाँ है। फिर अगर वो अब भी ठाकुर भंवर सिंह के पास होती तो मैं उसे वापस ले आती। मारे खुशी के मेरा दिल बल्ली उछलने लगा। मुझे उसकी बात पर कोई शुबा नहीं था। अगर मैं उसका पता बता दूं तो क्या तुम उसे ले आओगी? शायद इस तरह मैं अपनी ज्यादती का प्रायश्चित कर सकूंगी, लेकिन तुम्हें क्या पता वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। क्या? जानकी पुष्कर में गायब हुई थी और तुम उस वक्त से मेरे पास हो। अब से पहले तुम हवेली से बाहर भी नहीं गए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसके बारे में जानते हो, जबकि पुष्कर यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। वो पुष्कर में गायब हुई थी, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो कहाँ होगी। पहेलियां मत बुझवाओ, या फिर मैं ये समझूं कि तुम दोनों ने पहले से कोई ऐसा मंसूबा बना रखा था। हमारा पहले से कोई मंसूबा नहीं था। चंदमुख की खामोशी के बाद मैं उसे कामनी के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, पुष्कर पहुंचकर जानकी को भी कामनी का ही ख्याल आया होगा, इसलिए वो बाथरूम जाने के बहाने होटल से गायब हो गई। ओह, जब तुम्हें ये मालूम था कि जानकी कहाँ हो सकती है तो तुमने
यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि तुम्हें आज रात मौका भी मयसर था। मैंने कहा था ना, धोखा और फरेब मेरी सरिश्त में शामिल नहीं है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी तुम्हारे अतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और तुम्हें मेरे वो अल्फाज भी याद होंगे। कौन से अल्फाज? मैंने कहा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर यहाँ नहीं रह सकता, एक न एक दिन जरूर यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें धोखा देकर नहीं। बेशक मुझे फरार का बेहतरीन मौका हासिल था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ दगा नहीं करूंगा। मैं यहाँ से इस तरह जाऊंगा कि तुम मुझे खुद रुखसत करोगी। शायद ऐसा ही हो। तुमने मेरे ऊपर एहसानात का इतना बोझ लाद दिया है कि मेरी गर्दन झुकती चली जा रही है। मैंने पहले भी तुम्हें हर पाबंदी से आजाद रखा था, और अब तो मैं पाबंदी का कोई ख्याल जहन में ला भी नहीं सकती। मैं समझती हूँ 3 लाख रुपए खर्च करके मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, बहुत ही अच्छा दोस्त। वैसे इस वक्त हम तुम्हारी दोस्त जानकी के बारे में बात कर रहे थे। जानकी भी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त साबित होगी, उसे भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? कामिनी, यही जयपुर की रहने वाली है। पुष्कर में उसका मामा है, उसके माता पिता जयपुर में ही हैं। बड़ा मोसेस ब्राह्मण खानदान है। उसके बाप का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन चंद साल पहले वो जयपुर का मेयर भी रह चुका है। ओह, तुम पंडित हरिराम की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, शायद यही नाम है। अगर कामिनी पंडित हरिराम की ही बेटी है तो समझो कि जानकी कल रात इस हवेली में बैठी हमारे साथ खाना खा रही होगी रात का। वैसे मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि कल रात जानकी हर हालत में यहाँ होगी। अगर वो पुष्कर में कामिनी के पास हुई तो मुझे यकीन है कि वो वहीं होगी। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर दिन की रोशनी फैलने लगी थी, बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। मैं उठ खड़ा हुआ। रात आंखों में बीत गई है, अब सो जाओ, तुम्हें भी नींद आ रही होगी। तुम आराम से सो, मैं नीचे जा रहा हूं अपने कमरे में। और हाँ, कल दोपहर का खाना खाते हम पुष्कर रवाना हो जाएंगे। मैं जानकी को खुद लेकर आऊंगी। मैं हाथ हिलाता वह कमरे से बाहर आ गया। बिस्तर पर लेटकर मैं देर तक रूपमती के बारे में सोचता रहा। वो फरेब का शिकार होती रही थी, उसे कदम कदम पर धोखा दिया गया था। उसे मोहब्बत की तलाश थी, लेकिन वो दलदल में फंसती चली गई थी। उसे समझाने वाला कोई नहीं था। जो भी मिला उसने बहती गंगा समझकर उससे हाथ धोए, लेकिन उसके बारे में मेरा अंदाजा बड़ी हद तक दुरुस्त निकला। उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून था। मुझसे भी उसे जरा सी हमदर्दी मिली। मोहब्बत के दो बोल सुने तो वो रो पड़ी। मुझे यकीन था कि अगर उसे कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो राह रास्त पर आ सकती थी। मैं सुबह 6 बजे के करीब सोया था, और मुझे 2 बजे के करीब झंझोड़ कर जगा दिया गया। वो रूपमती थी। मुझे बिस्तर छोड़ने में 15 मिनट लग गए, और फिर 15-20 मिनट तक मैं बाथरूम में शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। इस तरह दिमाग की तपिश और सारी कसलमंदी दूर हो गई। 3 बजे के करीब हमने खाना खाया, और 4 बजे के करीब हम लैंड क्रूजर पर पुष्कर के लिए रवाना हो गए। रूपमती ने तारा सिंह को भी साथ लिया था, जो राइफल संभालकर पिछली सीट पर बैठा हुआ था। शहर से कई मील आगे निकल आने के बाद हाईवे के दोनों तरफ रेगिस्तान शुरू हो गया था। उस वक्त हम धर्मेश और तेज सिंह के बारे में बातें कर रहे थे। रूपमती का ख्याल था कि अब वो हवेली का रुख नहीं करेंगे, मगर मुझे रूपमती से इख्तलाफ था। जयपुर से पुष्कर का फासला अगरचा 150 किलोमीटर से कुछ कम ही था, और रूपमती का ख्याल था कि हम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में वहां पहुंच जाएंगे, मगर तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक छोटी सी बस्ती में दाखिल होने से पहले एक जोरदार धमाका हुआ और लैंड क्रूजर सड़क पर लहरा गई, जिसे रूपमती ने बड़ी महारत से संभाल लिया। गाड़ी का अगला टायर ब्रस्ट हो गया था। रूपमती बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाती हुई बस्ती तक ले गई और एक ढाबे के सामने से रोक दिया। सड़क पर कुछ और गाड़ियां भी खड़ी थी। आने जाने वाली बसें थोड़ी देर के लिए यहां रुकती थीं। गाड़ी में गर्चे फाजल टायर मौजूद था, मगर रूपमती चाहती थी कि ब्रस्ट होने वाला टायर भी दुरुस्त करवा लिया जाए, क्योंकि रास्ते में इस किस्म का कोई और हादसा भी पेश आ सकता था। हम गाड़ी से उतर कर ढाबे के सामने नीम के दरख्तों के नीचे कुर्सियों पर बैठ गए। यहाँ कुछ और लोग भी बैठे थे। तारा सिंह किसी पंचर लगाने वाले को तलाश करने चला गया। उसकी वापसी 15 मिनट बाद हुई। उसके साथ आने वाला आदमी गाड़ी के नीचे जैक लगाकर पहिया निकाल कर ले गया। तारा सिंह भी हमारे करीब ही बैठ गया। रूपमती ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली। तकरीबन 1 घंटे बाद हम गाड़ी में आकर बैठ गए। रूपमती ने इंजन स्टार्ट किया। ठीक उसी वक्त मेरी नजर सड़क की दूसरी तरफ एक कार की तरफ उठ गई। मुखालिफ सिम से आने वाली वो सुर्ख रंग की कार उस वक्त वहां आकर रुकी थी। उस कार में स्टेयरिंग के सामने बैठे शख्स को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो चित्तौड़गढ़ का राजकुमार बलवंत सिंह था। कार की पिछली सीट पर बड़ी बड़ी मूछ और खौफनाक शक्ल वाला गनमैन बैठा था। बलवंत सिंह ने भी हमें देख लिया। वो चौंक सा गया।
और फिर उसकी नजरों में नफरत की चिंगारियां से फूटती महसूस हुई। मैंने रूपमती की तरफ देखा। बलवंत सिंह को देखकर रूपमती का चेहरा धुआं हो गया था। वो अपनी कार से उतरा और नपे तुले कदम उठाता सड़क पार करके हमारी तरफ आने लगा। तुम बैठी रहो, घबराओ नहीं, ये चूहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने रूपमती का हाथ थपथपाया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। वो गाड़ी के सामने से घूमकर रूपमती वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बलवंत सिंह का गनमैन भी कार से उतर गया था। उसने राइफल दोनों हाथों में इस तरह थाम ली थी कि उसे किसी भी नाम इस्तेमाल कर सकता था। बलवंत नपे तुले कदम उठाता मेरे सामने रुक गया। उसकी नजरें शोले उगल रही थी। मैं किसी जरखरीद से कोई बात नहीं करना चाहता, हट जाओ मेरे सामने से। मालकिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले जरखरीद से ही बात करनी होगी। वैसे तुम हो बहुत ढीठ और बेगैरत भी। उस रात जंगल में जो कुछ हुआ उसके बाद तो तुम्हें डूब मरना चाहिए था। ए, नहीं औकात में रहे, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है। मच्छर की तरह चुटकी में मसल के रख दूंगा। उस रात तो धोखे से तेरा दाव चल गया था, इसका मतलब ये नहीं कि तू बहुत बड़ा सूरमा है। इस दौरान में रूपमती अपनी सीट पर खामोश बैठी थी। उसने दोनों हाथ बड़ी सख्ती से स्टेयरिंग पर जमा रखे थे। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के साए रक्स कर रहे थे। तारा सिंह भी गाड़ी से उतर गया था। वो राइफल संभाले गाड़ी की आड़ में इस तरह खड़ा हो गया कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ा हुआ बलवंत सिंह का बॉडीगार्ड उसकी राइफल की जद पर था। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे, किसी ने भी हम पर तवज्जो नहीं दी। बलवंत सिंह, एक बार तुम गधे की तरह मेरे हाथों पिट चुके हो, वहां तुम्हारा हशर देखने वाले भी खत्म हो गए थे। लेकिन अगर तुम इस भरे बाजार में दोबारा जलील होना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, उठाओ हाथ। बलवंत सिंह हूहार नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं जानता हूं तुम में इतनी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे और रूपमती से अपनी जिल्लत का बदला लेना चाहते हो, जरूर लो, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोच लेना कि मैं रूपमती का मुहाफिज हूं। उसकी तरफ उठने वाला हर हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। बलवंत सिंह खूंखार नजरों से मेरी तरफ घूरता रहा। उसने एक नजर रूपमती की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर तेज तेज कदम उठाता वह अपनी कार की तरफ चला गया। मैं भी कार में आकर सीट पर बैठ गया। बलवंत सिंह की कार का रुख जयपुर की तरफ था। मैं मुस्कुराती हुई नजरों से दूर होती उस कार को देखता रहा। कार का एसी बंद था। तारा सिंह भी पिछली नशस्त पर बैठ चुका था। मैंने रूपमती की तरफ देखा। उसकी टी शर्ट पसीने से तर हो रही थी। तुम्हारा दोस्त तो बहुत बुजदिल निकला रूपमती, मेरा ख्याल था यहाँ हंगामा होगा, तूफान उठ खड़ा होगा, एक आधी लाश भी गिरेगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो हमारी तरफ आया तो बहुत गुस्से में था, पर चूहे की तरह दुम दबाकर भाग गया। रूपमती ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर पहली मर्तबा खफीफ से मुस्कुराहट आई थी। बड़ा कमीना आदमी है वो, छुपकर पीठ पर वार करने वाला। अभी तो वो तुम्हारे तेवर देखकर दुम दबाकर भाग गया है, पर मुझे विश्वास है कि वो चुप नहीं रहेगा और हमारे खिलाफ कुछ करने के लिए मौका जरूर तलाश करेगा। मैं उसे मौका जरूर दूंगा। अब तुम गाड़ी का एसी चला दो, गर्मी से दम घुटा जा रहा है, और मेरा ख्याल है रवाना होने से पहले ठंडे पानी की एक बोतल हो जाए। मैंने उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मुड़कर तारा सिंह को इशारा किया। वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। रूपमती ने अपनी तरफ खिड़की का शीशा चढ़ा दिया, पहले इंजन स्टार्ट किया और कुछ देर बाद एसी ऑन कर दिया। गाड़ी के अंदर की फिजा बतदरीज खुशगवार होती चली गई। तारा सिंह ठंडे पानी की बोतलें ले आया। रूपमती अब बड़ी हद तक पुरसकून हो चुकी थी। चंद मिनट बाद हमारी लैंड क्रूजर उस बस्ती से निकलकर नेशनल हाईवे पर दौड़ने लगी। मैं बलवंत सिंह की फितरत का अंदाजा कर चुका था। उसकी कमींगी का अंदाजा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब उसने गुलामों की मंडी में रूपमती को धमकी दी थी और फिर उसने जंगल में घात लगाकर हमला किया था। मेरे अकड़ जाने से इस वक्त तो वो दम दबाकर भाग गया था, लेकिन मैं रूपमती के ख्याल से मुत्तफिक था कि वो मौका मिलते ही वार करेगा और छुपकर वार करेगा। पुष्कर जयपुर जैसा बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन उसकी अपनी तारीखी अहमियत थी। ये शहर सियाहत का मरकज था। यहाँ बेशुमार तारीखी इमारतें थीं। ये शहर पहाड़ी के दामन में आबाद था और उसके पहलू में एक खूबसूरत झील भी थी। उस झील को गंगा की तरह पवित्र समझा जाता था और हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता था। गाड़ी हल्की रफ्तार से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। एक पार्क के करीब से गुजरते हुए मैंने रूपमती को गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए। पार्क के एक कोने में दो कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत पर ताइक्वांडो सेंटर का बोर्ड लगा था। मेरा ख्याल है वहां से कामनी के ट्रेनिंग सेंटर का पता चल सकता है। मैंने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया। रूपमती ने इंजन बंद कर दिया और मुझे इशारा करती हुई नीचे उतर गई। तारा सिंह भी हमारे साथ आ गया था। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला।
उस सेंटर के मास्टर ने अपने एक शागिर्द हमारे साथ कर दिया। मैंने उस लड़के को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद पीछे तारा सिंह के साथ बैठ गया। वो लड़का रास्ता बताता रहा और बिलाखिर गाड़ी एक बहुत बड़े अहाते के सामने रुक गई। गेट पर कामिनी के नाम से उसके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ था। वो लड़का वापस चला गया। हम भी गाड़ी से उतरकर अहाते के फाटक में दाखिल हो गए। उस वक्त शाम का धुंधला फैल रहा था। इसके साथ ही एपिसोड 12 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए एपिसोड 13 समाप्त करना।